सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो पंजाब टुडे। हैप्पी वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस है अज। मर्द और औरत जीवन रूपी गड्डी दे दो पहिए हैं, जीवन रूपी पंछी दे दो खंभ हैं। ना एक पहिए नाल गड्डी चल सकती है, ना ही एक खंभ नाल पंछी उड़ सकता है। मनुखी जीवन विच दोनों की समान भूमिका ते समान अहमियत है। एक तो बिना दूजा अधूरा है ते दूजे तो बिना पहला सखना है। दोनों एक दूजे के पूरक हैं अते दोनों नू एक दूजे की इको जिनी लोड़ है। जीवन नू खूबसूरत बनाउण, इसनू खुशियां ते खेडियां नाल भरण, परिवार की प्रथा नू चलदा रखण अते जीवन नू स्थिरता प्रदान करन विच जिन्ना कि योगदान एक औरत दा हुंदा है, वह मर्द दा कदे हो ही नहीं सकता। जन्मदाती होण दे नाल नाल जीवन दाती है औरत। औरत द्वारा वख वख रूपां विच निभाई जाण वाली भूमिका नू कदे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। निरसंदेह किसी परिवार की उच्चता, समाज की पायदारी अते देश की महानता बहुत हद तक उस दी इस्त्री दी समाज विच स्थिति अते स्थान ते भी निर्भर करता है। कौमांतरी महिला दिवस एक कीरत अंदोलन सी, जिसनू यूनाइटेड नेशंस ने सालाना आयोजन दे तौर ते स्वीकार किया। इस आयोजन दा बीज 1908 विच उदो रख्या गया जदो न्यूयॉर्क विच 15,000 महिलावां ने काम दे घंटे कट करन, चंगा वेतन देन अते वोट दा अधिकार देन दी मांग कीती ते विरोध प्रदर्शन किया। इस तो बाद एक अमरीकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन नू कौमांतरी बनाने का विचार कॉलरा जेटकिन के दिमाग में आया। उन्होंने अपना यह विचार 1910 विच कोपेनहेगन विच आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन विच दिता। कुछ समय बाद लग्जमबर्ग अंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन विच जर्मन डेलीगेटा ने हर साल विशेष महिला दिवस का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, उसनू प्रेरित किया अते सब तो पहला कौमांतरी दिवस मनाया गया। ए औरतां दीआं सभ्याचारक, राजनीतिक अते समाजिक प्राप्तियां नू मद्देनजर रखदे होए मनाया जांदा है। 8 मार्च दा ए दिन औरतां दे अधिकारां दी लहर दा एक केंद्र बिंदु है, जो लिंग समानता अते औरतां विरुद्ध हिंसा दे मुद्दे वल ध्यान दर्शाउंदा है। फरवरी 1970 दी रूसी क्रांति विच औरतां नू मता प्राप्त होण तों बाद इस दिवस नू राष्ट्रीय छुट्टी बना दित्ता गया। यूनाइटेड नेशंस द्वारा यह दिवस पहली बार 8 मार्च 1975 नू मनाया गया अते उस तों बाद इस नू लगातार मनाया जांदा है। हर साल अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस की वख वख थीम हुंदी है। इस बार 2022 भारत विच अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमोरो, जिसका भाव है टिकाऊ कल लई अज लिंग समानता। पर अफसोस की गल तो यह है कि इस सब तो बावजूद औरत नाल कदे इंसाफ नहीं होया। 25% भारतीय नारी अपने अधिकारों प्रति चिंतन है, लेकिन बाकी वड्डा हिस्सा अज भी गुलामी दी जंजीरां विच जकड़िया होया है। पिछले सालों दौरान जेंडर अनुपात इसे गल की मिसाल है, जिस विच 1,000 मर्दा पिछे सिर्फ 835 औरतां हैं। लड़कियां नू कुख विच ही मार दिता जांदा है, यह साडे समाज विच आम वर्तारा बन गया सी। गरीबी रेखा तो हेठां रह रही भारती नारी सारी उम्र बहुत ही नाजुक हालात का सामना करती है। सब तो वड्डा कारण यह है कि मनुखी समाज मुढ़ तो ही मर्द प्रधान रहा है, अते केवल भारत विच ही नहीं, सगों हर देश हर समाज विच सरदारी बुनियादी केवल एक मर्द ही रही है। असी विश्व दे किसी भी देश, किसी भी कौम अते किसी भी जाति दे इतिहास, इतिहास क्रम जां साहित्य नू वेख लईए, सानू औरत दे मुकाबले एक मर्द नू पहल दित्ती जांदी है। आओ अज दे अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस ते प्रण लईए कि इस्त्री दे हालातां नू सुधारन दी अते उस दे सरत पक्षी विकास लई यतन करांगे। मादा भ्रूण हत्या अते दहेज वर्गियां लानतां नू वी जड़ों पुट्टण दा संकल्प लवांगे। नारी सिक्ख्या राही नारी सशक्तिकरण साडा उद्देश होना चाहिदा है। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।